और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल सरकार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह ही होने वाला है। ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर हिमाचल प्रदेश में बयान दिया। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, सुखराम चौधरी ने कहा। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसका हिमाचल प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वही हाल होने वाला है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 399 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़े करे और उसमें से लगभग 387 से अधिक की जमानत जब्त हुई।